एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एम बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें को प्रोड्यूस किए गए रिच इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैकैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इसमें को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इसमें को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इसमें में म्यूजिक दिए हैं क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इसमें की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मीर मैक्स और इसमें को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एज पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज FBI एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंगकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एक उन्हें एच उपनाम दिया।
हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस स्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे FBI एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के CIO ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि FBI 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $1,25,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाई रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाई रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए गाय रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैकैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट,
और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मीर मैक्स। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से स्वीकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $1,25,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है
उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वो राजा से मिलता है जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थाई रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें प्रोड्यूस किए गाय रिच इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मीर मैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन मुरल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसली के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज FBI एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है।
हिल ने दहशत में दवे दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया, इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए। पहली डकैती की जांच कर रहे FBI एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के CIO ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि FBI 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 hour and 59 minutes की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इसमें को प्रोड्यूस किए गाय रिच, इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट,
प्राइम वीडियो यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड, और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स, और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है, और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए, और हॉल्ट मैकली एज हैडन मुर्रेल ब्लेरी के रोल में, और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट, और डेव हैनकॉक के रोल में, और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसली के रोल में, और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में, और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में, और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में, और लैज एलोंसो एज कार्लोस के रोल में, और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में, और शेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में, और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में, और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में, और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में, और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में, और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में, एक हॉल्स के रोल में, और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में, और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में, और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में दो गार्ड और एक दर्शक की मौत हो गई। यह चार कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की, और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है, और बाई स्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से स्वीकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर, डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थाई रूप से
आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स हैं, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एम बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें को प्रोड्यूस किए गए रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैकैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इसमें को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इसमें को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट, इसमें में म्यूजिक दिए हैं क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इसमें की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मीर मैक्स और इसमें को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंगकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और
निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए। पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है। लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में है, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाई रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाई रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर्ड के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए गाय रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट, रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी
22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैज एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन
हरग्रीव्स हैं जो एक कुख्यात अपराधी है। डोंगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें प्रोड्यूस किए गाय रिच, इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन बुरेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज FBI एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए,
पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से स्वीकार कर रहा है। लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इसमें को प्रोड्यूस किए गाय रिच, इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इसमें को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए हैं क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स
और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है, और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। तो दोस्तों इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन बुरेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैज एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और शेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैत में दो गार्ड और एक दर्शक की मौत हो गई। यह चार कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइसवेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से स्वीकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक
ब्रेड और मूगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हर ग्रीस लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को आईएमडीबी ने 7.10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और ये बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें को प्रोड्यूस किए गए रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैकैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इसमें को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इसमें को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट, इसमें में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इसमें की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मीर मैक्स और इसमें को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैकली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैनकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नगद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया,
लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में है, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मूगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 hour and 59 minutes की है। तो दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाई रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाई रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एम बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए गए रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक, और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा। और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैनस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स। और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट, रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा।
दोस्तों इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए, और हॉल्ट मैकली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में, और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट, और डेव हैंकॉक के रोल में, और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में, और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में, और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में, और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में, और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में, और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में, और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में, और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में, और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में, और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में, और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में, और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में, ब्लैक हॉल्स के रोल में, और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में, और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में, और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैत में दो गार्ड और एक दर्शक की मौत हो गई। यह चार कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की, और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है, और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर, डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वो राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आँखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मूगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और
हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हिस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इसमें प्रोड्यूस किए गाय रिच, इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हार्ग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज FBI एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डैरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंगकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे FBI एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के CIO ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि FBI
25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले, पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मूगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 hour and 59 minutes की है। तो दोस्तों, इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और ये बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इसमें को प्रोड्यूस किए गाय रिच, इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इसमें के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 million रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 million रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एज पैट्रिक, एच हिल मैसन हरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन, मुररे ब्लेरी
के रोल में और जोश हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और शेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में एक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में दो गार्ड और एक दर्शक की मौत हो गई। यह चार कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइसवेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है। लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए गाय रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाय रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और ये मूवी बेस्ड ली कॉनवेरी जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए गाय रिच इवन एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमेटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट, इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हैरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन, मुर्रेल ब्लेरी के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज FBI एजेंट किंग के रोल में और डी ओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैस एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंगकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में और इला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैती में 2 गार्ड और 1 दर्शक की मौत हो गई। यह 4 कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइस्वेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे FBI एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया लेकिन फोर्टियोको के CIO ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि FBI 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोर्टो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर
डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $1,25,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली, और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजेक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आंखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटो में शामिल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स, रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रैथ ऑफ मैन मूवी के बारे में। तो दोस्तों, ये 2021 की एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो कि 1 आवर एंड 59 मिनट्स की है। तो दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDb ने 7.1/10 में से रेटिंग दिया और इसे एम्पायर ऑनलाइन ने 3.5 में से रेटिंग दिया और इसे 80% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। रैथ ऑफ मैन ये 2021 की हाइस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किए गाई रिच, स्क्रीन प्ले दिए गाई रिच, इवन एटिंगसन, मैरी डेविस और एवं बेस्ट ली कॉनवेरी, जो कि निकोलस बॉक्रिफ, इरिक बेसनर के द्वारा है। और इस मूवी को प्रोड्यूस किए गाय रिच इवान एटिंगसन, बिल ब्लॉक और इस मूवी के स्टारिंग है जैसन स्टैथम, हॉल्ट मैककैली, जेफरी डॉनवन, जोस हार्टनेट, लेस एलनसन, रॉल कैस्टिलो, डी ओबा ओपेरिया, एडी मैरिसन, स्कॉट एस्टवुड, नीम एलग्रा और इस मूवी को सिनेमाटोग्राफी किए हैं एलन स्टीवर्ट और इस मूवी को एडिट किए हैं जेम्स हार्बर्ट। इस मूवी में म्यूजिक दिए क्रिस्टोफर बैंस्टेड और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी से मेट्रो गोल्डवाइन मेयर मिरमैक्स और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किए यूनाइटेड आर्टिस्ट, रिलीजिंग यूनाइटेड स्टेट्स, लायंस गेट, प्राइम वीडियो, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। और ये मूवी 22 अप्रैल 2021 को इंटरनेशनली रिलीज हुई और 7 मई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स में और 10 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम में। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का रनिंग टाइम रहा 119 मिनट्स और ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम की मूवी है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज वाली है और इसका बजट $40 मिलियन रहा और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $104 मिलियन रहा। दोस्तों, इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, हम इस मूवी में जैसन स्टैथम एस पैट्रिक, एच हिल मैसन हरग्रीव्स के रोल में नजर आए और हॉल्ट मैककैली एज हैडन, बुरेल ब्लेरी
के रोल में और जोस हार्टनेट एज बो स्वीट और डेव हैंकॉक के रोल में और जेफरी डॉनवेन एज जैक्सन एंसले के रोल में और स्कॉट एस्टवुड एज जैन के रोल में और एंडी गैरिक एज एफबीआई एजेंट किंग के रोल में और डीओबिया ओपेरिया एज ब्रैड के रोल में और लैज एलोंसो एज कार्लोस के रोल में और रॉल कैस्टिलो एज सैम के रोल में और चेरिस रॉयली एज टॉम के रोल में और ईडी मार्सन एज टेरी रोसी के रोल में और नियाम एल्गर एज डैन कार्टर्स के रोल में और डेरल डी सिल्वा एज माइक के रोल में और बेबस ऑलोसैंकुन एज मॉगी के रोल में और रॉब डैनली एज ब्लैक हॉल्स के रोल में ब्लैक हॉल्स के रोल में और ईला ब्राउन एज डॉग के रोल में और लाइना रैनी एज क्रिस्टी के रोल में और पोस्ट मेलोन एज अ रॉबर के रोल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में एक बखराबंद ट्रक डकैत में दो गार्ड और एक दर्शक की मौत हो गई। यह चार कृत्यों में बताई गई घटनाओं की एक श्रृंखला प्रक्रिया को बंद कर देता है। एक डार्क सीक्रेट। डकैती के 5 महीने बाद पैट्रिक हिल एक बख्तरबंद ट्रक गार्ड के रूप में फोर्ट्रोको सिक्योरिटी में शामिल हो जाता है। उनके प्रबंधक टेरी ने उनके संदर्भों की सराहना की और कंपनी ट्रेन बुलेट ने उन्हें एच उपनाम दिया। हिल मुश्किल से अपना प्रशिक्षण पास करता है और बाइसवेट डेव और डोना कार्टिस सहित अपने सहयोगियों के साथ एक चट्टानी शुरुआत करता है। $2 मिलियन से अधिक नकद लेने के दौरान बुलेट को बंधक बना लिया जाता है। हिल ने दहशत में दवे को लुटेरी की मांगों का पालन करने के लिए मना लिया। इससे पहले कि विशेषज्ञ निशानेबाजी और निर्दयी दक्षता के साथ पूरे चालक दल का निपटारा कर दिया जाए, पहली डकैती की जांच कर रहे एफबीआई एजेंट द्वारा पूछताछ की गई। हिल को एहतियात के तौर पर डेस्क ड्यूटी पर सौंपा गया, लेकिन फोर्टियोको के सीआईओ ने उनसे क्षेत्र में काम करने के लिए वापस कर दिया। जांचकर्ता उसे अपने वरिष्ठ एजेंट किंग के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि एफबीआई 25 वर्षों से शिकार कर रहा है, लेकिन किंग उन्हें अकेले हिल छोड़ने के लिए कहता है। एक सहयोगी हिल को फोटो कर्मचारी फाइल का एक डोजियर डॉन के परिवार की तस्वीर और एक 100 परिशिक्षा रिपोर्ट देता है। 3 महीने बाद चाइना टाउन में हिल और बुलेट रास्ते में हैं, लेकिन लुटेरे हिल को देखते ही भाग जाते हैं। लेकिन बुलेट और डेव हिल के बारे में अपने संदेह साझा करते हैं, जो दाना से बंदूक की नोक पर $125,000 की चोरी के बारे में सवाल करता है। वह दावा करती है कि उसने एक शराब की दुकान पिकअप से नकदी चुरा ली और हिल अपने माता पिता की तस्वीर देखती है। अगर वह जानकारी रोक रही है तो उन्हें धमकी दे रही है। झुलसा हुआ पृथ्वी। फाटक में शामिल होने से 5 महीने पहले पहली डकैती के दिन हिल अपने बेटे डॉगी के साथ है। डकैती दल के साथ काम करने का खुलासा हुआ। हिल ने डॉगी को कार में छोड़कर बख्तरबंद ट्रक के मार्ग की निगरानी करने के लिए अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। लुटेरे के एक अलग समूह ने ट्रक को हाईजैक कर लिया और पास में डॉगी को देखा। अपने बेटे के पास वापस दौड़ते हुए हिल देखता है कि डॉगी को मार डाला गया है और उसे खुद गोली मार दी गई है और मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया है। 3 हफ्ते बाद हिल अस्पताल में जागता है। उसे डॉग की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। वह राजा से मिलता है, जो उसे संभावित संदिग्धों के एक सूची देता है और अस्थायी रूप से आँखें मूंद लेने के लिए सहमत होता है। हिल वास्तव में मेसन हरग्रीव्स है, जो एक कुख्यात अपराधी है। डॉगी के हत्यारे हरग्रीव्स और उसके आदमियों को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प माइक ब्रेड और मोगी के नेतृत्व में बिना किसी परिणाम के राजा की सूची में लगभग सभी को मार डाला। माइक ने प्रतिशोध के बारे में अपनी चिंताओं को आवाज़ दी और हरग्रीव्स लंदन में कम रहने के लिए सहमत है, लेकिन इसके बजाय पैट्रिक हिल की पहचान मानते हैं और खुद को शिकार जारी रखने के लिए फोटोक में शामिल हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको रैथ ऑफ मैन इस मूवी को देखना होगा। तो फ्रेंड्स रैथ ऑफ मैन ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें।